मन मन राधे राधे मन मन राधे कहियो मन मन राधे राधे कहियो मन मन राधे राधे कहियो होरी गोपी राधे राधे होरी गोपी सजवासी सब बोले राधे सजवासी सब बोले राधे सब बोले राधे जाने। आहा, ये
मन भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, दुनिया क्या जाने, हमें तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, हमें तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, चैन चुरा के पगली बनाया, चैन चुरा के पगली बनाया, पगली बनाया प्यारे, पगली बनाया, पगली बनाया प्यारे, पगली बनाया, पगली बनाया मोहे, पगली बनाया, पगली बनाया मोहे, पगली बनाया, चैन चुरा के पगली बनाया, चैन चुरा के पगली बनाया, मेरी कर दी नींद हराम, दुनिया क्या जाने, मेरी कर दी नींद हराम, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ओहो ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, शरण में आई गले लगा ले, शरण में आई गले लगा ले, गले लगा ले प्यारे, 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 गले लगा ले, शरण में आई गले लगा ले, शरण में आई गले लगा ले, तो जपू तिहारो जाने, ओ हो ये दुनिया क्या जाने, हमें तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, हमें तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मोर कुटी पे मेरा ठिकाना, मोर कुटी पे मेरा ठिकाना, अनुकुंड में मल मल नहाना, अनुकुंड में मल मल नहाना, अनुकुंड में मल मल नहाना, अनुकुंड में मल मल
ये श्री राधे राधे राधे। इसका स्टैंड बस वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बच्चा अभिषेक गुरु, अभिषेक गुरु साइड पर से हरे कृष्णा। राम जी पहले कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा। हाँ एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग कोई बोल नहीं रहे हो, जोर से बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे देखो आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। आज इतने सारे संत लोग आप लोगों को यहाँ पधार रहे हैं, ये बड़े भाग्य से संतों का दर्शन होता है। इसलिए भागवत में बताए बोले दुर्लभम मनुष्य देहम देहिनाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन में वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कदी ये श्लोक श्री वसुदेव महाराज बोल रहे हैं। बोले कब ये श्लोक को बोल रहे हैं? बोले एक समय द्वारका में बहुत बड़ा एक यज्ञ की अनुष्ठान हो रही थी जिसका नाम था विश्व शांति महायज्ञ। जगत में कैसे शांति हो, मतलब वहां पर कौन कौन थे? बोले देवकी, वसुदेव, कृष्णा, बलराम, कृष्ण के 16108 पटरानियां, बड़े धूमधाम से इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा 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 कर रहे थे। भैया फटो लेने वाले चुप कर, बढ़िया चुप, उधर कोने में बैठो। इसलिए बड़े जोर थोर से ये यज्ञ हो रही थी। नियम है जब कोई यज्ञ प्रारंभ हो जाए जब तक उसकी पूर्णाहुति नहीं हो बीच में ये यज्ञ बंद नहीं करनी चाहिए, ये नियम है। लेकिन जब यज्ञ हो रही थी हठात देखा आकाश से एक ज्योति को उतरते हुए, सब लोग देखने लग गए भैया ये ज्योति कहाँ से उतर रहा है। जब वो ज्योति धीरे 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 नीचे आया देखा वो ज्योति नहीं कोई एक इंसान है। लेकिन वो ज्योति जब नीचे आया इंसान देखा वो इंसान नहीं वो श्री नारद जी। जब श्री नारद जी वहां पर पधारे वहां पर श्री वसुदेव महाराज खड़े होकर के बोले भैया यज्ञ को बंद कर दो, यज्ञ को बंद कर दो, क्योंकि जो यज्ञ का फल है वो साक्षात रूप में यहाँ प्रकट हो गए। अभी यज्ञ के लिए जितने सामग्रियों को एकत्रित किया था श्री नारद जी को सिंहासन में बैठा करके वसुदेव महाराज उनके चरण धोए, उनकी चरणामृत लिए, उनकी चरणामृत को संपूर्ण द्वारका में शांति जल रूप में छिड़काव करवाए और उनके चरण में बैठी करके तब ये वसुदेव महाराज कह रहे हैं बोले दुर्लभम मनुष्य देहम देहिनाम क्षणभंगुरम। बोले एक में तो ये मानव शरीर पाना बड़ा कठिन है जिसको भगवान कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते। केवल दुर्लभ नहीं ये मानव शरीर को कहते हैं सुदुर्लभ, जिसको भगवान राम कहते हैं बड़े भाग्यमान सतन पावा और सुर दुर्लभ सदा ग्रंथन गवा। कहते ये मानव शरीर कहते ये देवताओं के लिए भी ये भारत भूमि में ये मानव शरीर पाना ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आप पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकते हो लेकिन इस स्वर्ग में इसे कोई कर्म नहीं, फिर वो कर्म करके फिर ये मानव शरीर भारत में
खरे ये सनातन धर्म में ये मानव शरीर पा सकते हो वो साधारण बात नहीं। इसलिए कहते दुर्लभ मनुष्य जन्म, ये मानव शरीर दुर्लभ है लेकिन उसमें भी ज्यादा दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते उसमें भी ज्यादा दुर्लभ है अगर किसी भक्तों का संग अगर हो जाए, किसी संतों का दर्शन मिल जाए। कहते ये मानव शरीर से भी ज्यादा दुर्लभ है ये संतों का समागम हरि कथा। जिसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कहते ये जगत में दो चीज बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति को मिलता है। कहते वो दो चीज क्या है? कहते एक संतों का समागम और दूसरी हरि कथा। देखो आज हमें ये दो चीज प्राप्त हुआ है, एक तो संतों का दर्शन है और उसमें भी भगवान की कथा है। कहते बीत दार और सुत ये पापी को भी होए, रुपया पैसा धन दौलत। भैया रावण के पास में कमी नहीं था, जिसको पास में सोने की लंका, मंदोदर जैसे पत्नी, मेघनाद जैसे बेटा, लेकिन कहते संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का संग और भगवान की कथा ये बड़ा दुर्लभ है। इसलिए जब श्री हनुमान जी को साथ में हैं श्री विभीषण को साक्षात्कार हुई, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, राम के सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमंत लाल जी, तो विभीषण क्या कहता है, आज मोय भाव भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना, बोलो सुभा बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता। बोले जो रघुवरी मय अनुग्रह के लिए तो मई दर्शन दिन लगता है, आज मेरे ऊपर में भगवान राम की कोई विशेष कृपा हुई है। क्योंकि चारी तरफ में राक्षस, चारी तरफ में उसको बीच में मैं रहता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं सोच सकता था इसकी बीच में भी हनुमान जैसे भगवान के प्रिय भक्त मेरे साक्षात्कार होगा लगता है, मैं तो कभी सोच नहीं सकता है, लगता है आज मेरे ऊपर में भगवान राम की कोई विशेष कृपा है और ये लगता है और भगवत प्राप्ति की कोई अभी संशय नहीं, जल्दी से जल्दी हमें भगवत दर्शन मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी हमें भक्त दर्शन मिल जाएगा। एक संत कथा सुना रहे थे, इतने में विभीषण ने कहा देख हनुमान मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ तू मेरे लिए भी कुछ करना। बोले क्या करना? बोले देख तेरे पास में बाप है और मेरे पास में माँ है, तेरे पास में पिताजी है हनुमान जी को पास में राम है और मेरे पास में लंका में कौन है, माता सीता है। इसलिए तेरे पास में पिता और मेरे पास में माता, मैं एक काम करता हूँ तेरे को मैं माता जी से मिला देता हूँ, तू मेरे को पिताजी से मिला देना। बस पिता माता के मिलन हो गया तो काम बन जाएगा। बोले कोई बात नहीं। बोले जा तो अशोक वाटिका में जा करके माता सीता जी को दर्शन कर। अभी हनुमान जी गए और उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता जी से उन्होंने मिले। जब श्री विभीषण ने रावण को कोशिश की समझाने के लिए, देखो ये सीता जगत जननी, ये स्वयं माँ लक्ष्मी, हम पुलस्तक वंशधर है, हमारी ये धर्म नहीं पराई स्त्रियों को उठाकर ले जाना, ये हमारे धर्म नहीं, इसलिए माँ सीता को वापस दे दे। लेकिन रावण ने क्या किया, लात मार करके विभीषण को भगा दिया। लेकिन विभीषण ने क्या कि प्रभु राम के शरण में आए। जब आए इतने में बंदरों ने पूछा भैया तू है कौन? बोले मैं रावण का छोटा भैया हूँ। जब इतना बोले ना उसको बांध करके रस्सियों में भगवान राम को पास में लेकर के आए। जब भगवान राम को पास में लेकर के आए वहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए थे, लेकिन हनुमान जी को देखकर इसका कलर तो ऊंचा हो गया, भैया यहाँ पर मेरा कोई जान पहचान व्यक्ति है। लेकिन जब हनुमान जी से हनुमान जी बात करने के लिए कोशिश की, विभीषण ने कहा देखो एकदम मेरे से बोलो मत, मेरे से कोई बात मत किया करो। बोले क्यों? बोले मैंने तुमको माँ से मिलाया था और मैंने कहा था मेरे पिताजी से मिला देना, देखो मेरे को कैसे ये भैया लोग सामने क्यों खड़े हो, उधर हट कर खड़े हो। इसलिए मैंने कहा था पिताजी से मेरे को मिलाना,
देखो ये बंदर लोग मेरे को कैसे बांध करके लाए। हनुमान जी ने पूछा, विभीषण ये बताओ तुमने अपना परिचय क्या दिया था? बोले मैंने परिचय दिया था मैं रावण का छोटा भैया हूँ। बोले इसलिए तेरे को बांध करके लाए, इसलिए तेरे को बांध करके लाए। अगर ये बोलता हनुमान जी का मैं मित्र हूँ, हनुमान जी का मैं मित्र हूँ, तेरे को तो स्वागत करके ले आते। यहाँ शिक्षा देते हैं, इसलिए हमारे हर संत कहते हैं हमारी परिचय क्या है। बोले गोपी भर तू पद कमल यो दास दासानो दास, तो भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य, अपना परिचय है। कौन है ये परिचय मत दो, मैं ये अमुक हूँ, मेरा नाम ये है, नहीं ये परिचय दो। हम संतों का, वैष्णव का, दासों का, दासों का, दासों का दास है। बस अगर ये परिचय दो ना, बस सीधा ठाकुर जी से मुलाकात हो जाएगी। इसलिए आज हमारे परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है आज हमारे बीच में हमारे गुरु जी की सब ये सब प्रिय शिष्य है, जिन लोगों ने डायरेक्ट गुरु जी की अपना हाथों से सेवा की है। आज हमारे परम सौभाग्य, कभी जीवन में एक वैष्णव दर्शन हो जाए, कभी एक वैष्णव दर्शन हो जाए, जीवन धन्य हो जाता है, हैं? इसलिए कहते तात स्वर्ग अप वर्ग सुख भरी तुला एक अंग। कहते एक तराजू लेकर के तराजू का एक तरफ में तात स्वर्ग अप वर्ग सुख, स्वर्ग सुख से लेकर के मुक्ति सुख आनंद सुख तक तराजू का एक तरफ में रख लो, तराजू का दूसरे तरफ में एक सेकंड को ग्यारह भाग करके एकमा भाग साधु संघ की महिमा को रख लो, कहते उसका पल्ला भारी हो जाता है, इतना महिमा साधु संघ की। लेकिन आज हमारे बड़े गुरु जी की, बड़े प्रिय शिष्य जिन लोगों ने बहुत गुरु जी की सेवा किया है, आज हमारे बीच में ये भक्त लोग बधा रहे हैं, संत लोग बधा रहे हैं, आज आपको हैं बहुत अच्छी अच्छी बात बताएंगे। ये जीवन हमें क्यों मिला है, ये जीवन पाकर हमें क्या करने चाहिए, ये जीवन का सार्थकता क्या है। लोग कृपा करके आज हमें अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगे, उपदेश देंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इनके उपदेश को अपना जीवन में उतारते हुए अपना जीवन को धन्य बनाएं। इसलिए हमारे बीच में हमारे एक जीत प्रभु जी है, क्योंकि हमारे नोएडा में एक आश्रम खुला है, अभी तो खुला नहीं, साधारण रूप में प्रीचिंग सेंटर है। अभी ये जीत प्रभु जी अभी उसको देखभाल कर रहे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं जीत प्रभु जी। अब कभी थोड़ी सी भगवान को भक्ति के बारे में, साधु संघ को विषय पर कुछ श्री जीत प्रभु जी बोलेंगे। श्री जीत प्रभु जी ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पर नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना के बीच में मंच पे आसीन पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे पूज्यपाद श्री माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रभु जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता
पूज्य पाद रोहिणी नंदन प्रभु जी जिन्होंने इतना प्रयास करके सब लोग को निमंत्रण दिया बुलाया और इसका पूरा संचालन कर रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और हमारे पूज्य पाद संजय प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जितने भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वैष्णव वैष्णवी माताएं प्रभु लोग, सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। अभी महाराज जी साधु संघ की महिमा बता रहे थे। हमारे बहुत बड़े संत हुए जो है नरोत्तम दास ठाकुर, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि भी है। उन्होंने साधु संघ की महिमा बता रहे थे महाराज जी, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में महिमा बताई है। मैं सिर्फ दो शब्द उनके लूँगा और उसी को पुष्पाणी देने का प्रयास करूँगा। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण। भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनको वैष्णव बोलते हैं, और उनका थोड़ा भी संग हो जाए, बताया शास्त्रों में वैष्णवे संगेते मन आनंदित अनुक्षण। वैष्णव के संग से हर पल हर सेकंड में नया नया आनंद आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान के जो प्रिय भक्त हैं वो अपने हृदय में क्या करते हैं, भगवान को हृदय में बिठाते हैं और क्या करते हैं, हर पल में बोध यत्न सेवाम नित्य भगवान के भक्त हैं। प्रकार जैसे क्या होता है, अगर कोई कंपनी वाले आएंगे, कोई कंपनी के कोई क्रीम बेचने वाले, तो अपनी घुमा फिरा के अपनी महिमा बताई देंगे। कोई चैनल वाले आएंगे, न्यूज वाले आएंगे, तो घुमा फिरा के अपनी महिमा बता देंगे। कोई पार्टी के वाले आएंगे, कोई भी पार्टी ले लो, कांग्रेस बीजेपी आप, तो घुमा फिरा के अपनी बात बोल ही देंगे। तो ऐसे भक्त लोग भी आएंगे, किसी भी प्रकार से आप कोई भी आयोजन करो, घुमा फिरा के वो अपने प्रभु ईश्वर जो हमारे मूल भगवान है और हमारा जिनके साथ नित्य संबंध है और जो हमको नित्य प्रेम करते, घुमा फिरा के उनको बात करेंगे करेंगे। और उनका और कोई भी कर्तव्य नहीं है, क्यों उनकी बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं और वो बहुत शक्तिशाली हैं और वो हम सबसे प्रेम करते हैं। जैसे वो हमारे इतने निकट है, नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं संबंध ना ही जार वृथा जन्म गेरता। अगर उस भगवान से आपने संबंध नहीं जोड़ा तो क्या हुआ, आपका जीवन व्यर्थ चला गया। और हमने बहुत सारा संबंध बनाए लोगों से, हमारे 1 लाख फ्रेंड है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत सारे हमारे फॉलोअर है, फेसबुक पे फॉलोअर है, पर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं से संबंध ना ही जार वृता जन्म गेल तार। जो भगवान से संबंध नहीं जोड़ पाया उनका जन्म क्या चला गया, व्यर्थ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जितने भी हमने संबंध बनाए हैं कोई भी हमारे काम आने वाले नहीं है। सब क्या है, जब तक स्वार्थ है, जब तक जेब में पैसे हैं, लोग कहते हैं आप कैसे हैं, और पैसा कौन आप कौन। तो जगत में जितने भी संबंध है सब स्वार्थ के कारण है, पर भगवान इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं, हमारे इतने निकट हैं, जगत में कोई भी हमारे इतना निकट नहीं है। जैसे कि हमारे जो माता पिता है कभी हमसे दूर जाते हैं, हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो बहुत दूर जाना पड़ता है, कॉलेज जाते हैं तो दूर जाना पड़ता है, हमारे दोस्तों से भी हमें दूर जाना पड़ता है, और हमारी पत्नी से भी कभी दूर जाना पड़ता है, पति से भी दूर जाना पड़ता है, बच्चों से भी कभी कभी दूर जाना पड़ता है, वो हमारे पास रहते हैं पर कभी कभी दूर जाना पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो 1 सेकंड भी हमें छोड़ता नहीं, वो कौन है, वो हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान है। वो हर क्षण में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और इतने निकट बैठे हुए हैं, इतने निकट बैठे हुए हैं कि हम जितनी हमारी सांस है ना उससे भी, श्वास जो निकलती है उससे भी निकट बैठे हुए हैं, पर हम उन प्रभु को भूल चुके हैं और हम इस सुख को कहाँ खोज रहे हैं, जहाँ पर सुख नहीं है वहाँ पर सुख खोज रहे हैं, कभी भी जीवन में मिलेगा नहीं। इसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आप लोग समझो, मैं कथा को यहीं विराम दूंगा और सुनेंगे। एक उसकी सुई में धागा पिरो रही थी, सुई खो गई, तो अभी क्या हुआ, उसने क्या किया, सभी बच्चों को लगाया कि मेरी सुई खो गई, अपने पोते को लगा लिया, नाते को लगा लिया, बेटे को लगा लिया, बेटी को लगा लिया, सबको लगा लिया,
और सब सुई ढूंढने में लग गई। तो उन्होंने देखा कि माँ बहुत देर देखा, लाइट जलाई, इधर देखा उधर देखा, सुई मिल ही नहीं रही है। फिर उन्होंने माँ से पूछा, अपनी दादी माँ से पूछा, माँ एक बात बताओ, सुई गिरी कहाँ थी? तो माँ ने कहा सुई तो अंदर वाले कमरे में गिरी थी। तो आप ढूंढ कहाँ रहे हो? कह रहे बाहर में उजाले में ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वहाँ पर ढूंढ रही है। माँ जहाँ पर गिरी थी वहाँ क्यों ढूंढ रही? कह रही बेटा वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है, मैं सोच रही उजाले में आके ढूंढ लूँगी। तो हमारी भी ऐसी स्थिति है, सुई क्या सुख कहाँ पर ढूंढ रहे जहाँ पर नहीं है, पर उजाला जहाँ चकाचौंध है, हैं, जहाँ पर बहुत सारी लाइट है, मॉल है, टीवी है, आदि आदि संसार, मोबाइल है, फेसबुक, इसमें सुख ढूंढ रहे। पर सुख कहाँ पर है? जहाँ पर भगवान जो जगत बनाने वाले हैं उन्होंने स्वयं भगवद गीता में कहा है, दुख आलयम और अशाश्वतम, ये संसार के शायद दुख का घर है और क्या अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है। इसलिए क्या है, जहाँ पर कितना भी प्रयास कर लो आपको दुख सुख मिलने वाला नहीं है, पर आप भगवान के चरणों में थोड़ी सी भी सेवा कर लो, उनका नाम थोड़ा पुकार दो एक बार, उनके प्रिय भक्तों से मिलोगे, क्या होगा पल पल में, क्या होगा प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, हर पल नित्य आनंद आएगा। इसलिए सुख कहाँ पर है? भगवान के चरणों में। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय। भगवान कैसे अशोक है जहाँ कोई भी प्रकार का शोक नहीं है, अभय। देखो कितने भी बड़े बड़े नेता हो, जब चुनाव आता डर जाते हैं हमारी गद्दी चली ना जाए, इतना प्रयास करते हैं चली जाते हैं, फिर भय होता है। इसलिए भगवान के चरण कमल क्या है, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं वैष्णव पद क्या है, इतना दुर्लभ है और क्या है परमानेंट सुख देने वाला है। जो वहाँ एक बार पहुँच जाए क्या अभय, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होता, और क्या अमृत आधार भगवान का चरण कमल है। इसलिए हम लोग जितने यहाँ पर आए मंगल चाहते क्या है, ऐसे प्रभु के चरणों में हम लोग आए और उनकी भक्ति करें, उनसे ही प्रेम करें, उनकी सेवा करें, तो क्या है हम क्या आनंदित हो जाएंगे। यहीं पर मैं अपने वक्तव्य को विश्राम देता हूँ, अधिक समय के लिए क्षमा करता हूँ। हरे कृष्णा। हमारे बीच में श्री संजय प्रभु जी, आप इनको जानते होंगे, ये बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं और इनके अंदर में एक विशेष गुण, ये बड़ा चालाक है। तो क्या करते हैं जानते हो, कहते भगवान को संतुष्ट करने का जो सबसे सरल उपाय है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष एस तीन साधन निर्बल। आज इनकी तिथि है, कहते अगर जीवन में प्रभु का प्रेम अगर कोई प्राप्त करना चाहते हो, तीन उपाय सबसे सरल, बोल एक तो भक्तों का चरण धूलि, दूसरा भक्तों का चरणामृत, तीसरा उनका अधरामृत व कथामृत है। इसलिए संतोष सेवा से जितनी जल्दी हम भगवान को संतुष्ट कर सकते, क्यों भगवान का निवास कहाँ है, ठाकुर स्वयं कहते हैं साधव हृदय साधु नाम हृदय तु हम, मैं संतों का हृदय में ही रहता हूँ। अगर संत प्रसन्न हो गए ना, कहते सिद्धि भगवती वा नीति संशय अच्युत से बिना, जो डायरेक्ट भगवान को सेवा करते हैं, भगवान कहते मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ तो मेरे को एक दिन पाओगे, लेकिन मेरे संतों का जो संग करते सेवा करते हैं, कहते नी संशय चात्र, कहते उसको भगवत प्राप्ति में कोई भी शंका नहीं। ये प्रभु जी बड़े चालाक है। कोई वैष्णव अगर बीमारी पड़ जाए, कोई दुख कष्ट होना आप सोच नहीं सकते, हमारे गुरु भाई और हमारे जो पुराने जो संन्यास लोगों को ये अगर कोई बीमारी पड़ जाए तो आप सोच नहीं सकते, इतनी अपना हाथों से पैसा दे करके उनको ट्रीटमेंट करना, गाड़ी में ले जाना, उनकी दुख सुख में उनको मदद करना, आपको पता नहीं, मैं जितना जानता हूँ बहुत सेवा करते हैं। इसलिए इनके हृदय में सारे तत्व ज्ञान स्फूर्ति, गुरु जी की बड़ी सेवा की, बड़े गुरु जी की। इसलिए इनकी जो हरि कथा बहुत अच्छी हरि कथा प्रभु बोलते हैं, प्रभुपाद का विचार को इतने सुंदर बोलते, जिसको देखकर मेरे मन में लोभ हो जाता है, वाह कितने सुंदर विचार बोलते हैं। अभी कृपा करके हमारे बीच में गुरु जी पधारे, आपको बहुत अच्छी अच्छी बात बताएंगे श्री संजय गुरु जी। Thank you.
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तनाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छय गोसाई करी चरण वंदन जाय ते विघ्रनाश अभीष्ट पूरण श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परम्परा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। सपार से सपरिकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जयुक्त हूँ। सपार सा सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु जयुक्त हूँ। उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद श्री माधव प्रिया प्रभु जी, पूज्यपाद श्री रोणी नंदन प्रभु जी, पूज्यपाद श्री जीत प्रभु जी, समस्त वैष्णव वैष्णवी यहाँ पर समुपस्थित श्रद्धालु मंडली सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडत प्रणाम। हमारे गुरु महाराज जी के ज्येष्ठ गुरु भ्राता थे श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी। वो एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि वैष्णव लोग कृष्ण काले हैं, किंतु वैष्णव लोग काले होने पर भी कृष्ण के सौंदर्य का ही आस्वादन किया करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में एक बड़ी अच्छी बात बतलाई। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के गुण कैसे हैं के काकेरे गरुड़ करे एछे दयामय, वो कौवे को भी गरुड़ बना देते हैं। इसलिए वैष्णवों के निकट में आकर जितनी बातें महाराज जी ने कही हैं वही समझ में आती हैं। हमारी सब प्रकार की असमर्थता अयोग्यता को दर्शन करके पूजनीय वैष्णव लोग हमको उत्साह देने के लिए हमारी रतिमति कुछ वैष्णव सेवा में हो जाए, इसलिए इस प्रकार के हमको उत्साहमय वचन दिया करते हैं। विशेषकर जब भी महाराज जी के निकट में आते हैं एक विषय में सदैव मुझको गुरु जी की स्मृति हो जाती है कि गुरु महाराज जी अपने शिष्यों को अपने कनिष्ठ गुरु भ्राताओं को अत्यधिक उत्साह दिया करते थे। उनके छोटे छोटे गुणों को भी लक्ष्य करके उनको अत्यधिक उत्साह दिया करते थे भजन करने के लिए। जब भी हमारे महाराज जी ने बहुत समय गुरु महाराज जी के निकट में रहकर उनकी व्यक्तिगत सेवाएँ की और उनका चरित्र इस बात का परिचायक है, तो महाराज जी के निकट आने पर सदैव इस बात की स्मृति होती है कि कोई गुण नहीं होने पर भी वो हमको साह प्रदान करने के लिए ऐसे आशीर्मय वचन कहते हैं। जो भी हो, अधिक समय नहीं है, मैं दो एक बात बस गुरु महाराज जी की स्मृति के उद्देश्य से, जैसा कि आज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे गुरु महाराज जी के प्राचीन प्राचीन शिष्य लोग भी हैं, कुछ नवीन भक्त भी हैं। इसलिए वक्ता लोग भी कुछ नवीन भक्तों को लक्ष्य करके, कुछ प्राचीन भक्तों को लक्ष्य करके, जिनको जैसी प्रेरणा प्राप्त होती है वो वैसी कुछ हरी कथा कहते हैं। अभी हमारे श्रीपाद जीत प्रभु जी ने बड़े सहज सरल शब्दों में बहुत कुछ सार गर्भित वचनों को कह दिया। आज बहुत ही एक विशेष दिन है, ये माघ मास आज समाप्त हो रहा है, माघ मास की पूर्णिमा है आज। हमारे रूपानुग गुरु परंपरा के बड़े अन्यतम विशेष आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। इस माघ मास का भी शास्त्रों में बहुत महत्व बतलाया गया, जैसे कार्तिक मास का महत्व है, इस माघ मास का बहुत महत्व है। इसी माघ मास में हमारे गुरुदेव शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य प्रभु, अब नाम गिनाने जाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा, बहुत सारे विष्णु और वैष्णवों का शुभ आविर्भाव तिरुभाव इस माघ मास में हुआ है। बहुत पवित्र ये माघ मास है और आज उसमें भी बड़ी एक विशेष तिथि है। साक्षात प्रेम के अवतार, प्रेम की मूर्ति स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी ने, जिनके उद्देश्य से पद्मावती नदी में प्रेम संग्रह करके
आगे रखा। उन नरोत्तम दास ठाकुर जी की आज शुभ आविर्भाव तिथि है। मैं दो एक बात उनकी अत्यंत हृदय स्पर्शी और शिक्षा मूलक जो हमारे गुरु महाराज जी और शिला हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के मुख से हमने जो सुनी है वो दो एक स्मृतियां मैं बतलाऊंगा। बड़ी हृदय स्पर्शी बात है, उसमें शिक्षाएं भी। नरोत्तम दास ठाकुर जी का चरित्र ही अद्भुत है, अद्भुत उनके चरित्र की शिक्षाएं हैं। हमारे गुरु महाराज जी बतलाया करते थे, जैसा कि जहाँ से शिला महाराज जी ने, हमारे पूज्य पाद श्रीधर महाराज जी ने और हमारे जीत प्रभु जी ने जो विषय आरंभ किया, उसमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की स्मृतियां होती हैं। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को एक बड़ा सुंदर विचार बताया। वो कहते हैं, निर्देह माध्यम सुलभम सु दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करण धारम मया अनुकूल नभस्व तेरितम पुमान भवाब्दी ना तरेर सा आत्महा। वो कहते हैं वो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। कौन? जो निर्देह माध्यम सुलभम सु दुर्लभम, जो इस सु दुर्लभ नर देह को मनुष्य देह को प्राप्त करके जो सदगुरु के चरणों का आश्रय नहीं करता, भगवत भजन नहीं, आत्महत्या कर रहा है। सा आत्महा, वो आत्महत्या कर रहा है। अब यहां मुख्य बात भगवान ने क्या कही, मयानुकूले नभस्व तेरितम पुमान भवाब्दि ना तरेद सा आत्महा। वो आत्महत्या कर रहा है जो भगवत भजन नहीं करता। तो भगवान कहते हैं भगवत भजन आरंभ कहां से होगा? शास्त्र कहते यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। जैसी भगवान के चरणों में भक्ति हो उससे भी अधिक निष्ठायुक्त भक्ति श्री गुरु के चरणों में हो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन में राजपुत्र हैं, राजा के घर में नरोत्तम दास ठाकुर जी का, उनके पिता श्री कृष्ण दत्त जी राजा हैं, राजकुमार के रूप में उनका शुभ आविर्भाव हुआ। किंतु उनका चरित्र कितना अद्भुत है। समस्त जागतिक संसार मोह माया ममता को परित्याग करके उन्होंने वृंदावन धाम का आश्रय लिया। किंतु वृंदावन धाम का आश्रय कैसे मिलेगा, सुनना ध्यान से बात को, वृंदावन धाम का आश्रय कैसे मिलेगा? बिना साधु संग में वृंदावन धाम का दर्शन नहीं हो सकता। शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे, धाम का दर्शन नेत्रों से नहीं होता, कानों से होता है। साधु की कृपा से धाम का दर्शन होगा। साधुओं में श्रेष्ठ गुरुपाद पद्म है, गुरुपाद पद्म की कृपा को कैसे प्राप्त किया जाता है? नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन की घटना हमने सुनी। लोकनाथ गोस्वामी नाम के एक संत थे, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उनकी कैसे सेवा की, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार की चेष्टा की है, श्री भक्ति रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ है, उसमें इतना हृदय स्पर्शी वर्णन है। बतलाते उसमें, जे स्थाने गोसाई जीव जान बहिर देशे से स्थाने करे दिया संस्कार विशेषे। जिस स्थान पर लोकनाथ गोस्वामी जाकर शौच के लिए जाते थे, मलमूत्र परित्याग करने के लिए, उस स्थान को झाड़ू से जाकर संस्कार विशेष है, ऐसे ही नहीं बड़ी प्रीति पूर्वक उस स्थान का मार्जन किया करते थे। और उस झाड़ू को, जिस झाड़ू से स्थान को मार्जन करते थे, उसको अपने वक्ष स्थल से लगाकर करंदन करते थे, मुझको कब गुरु की कृपा प्राप्त होगी, मुझको कब श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का आश्रय मिलेगा। उस झाड़ू को जिससे स्थान परिष्कार करते हैं, विचार कीजिए वो राजपुत्र हैं, उनकी इस सेवा वृद्धि को देखकर श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने उनके ऊपर कृपा की और उनको श्री गुरु की कृपा प्राप्त हुई। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने आदर्श दिखलाया। इस भजन मार्ग में बिना श्री गुरु की कृपा के, आदो गुरु पदाश्रय सबसे पहला भजन कांग है, श्री गोस्वामी जी ने बतलाया। सबसे पहला भजन कांग क्या है? आदो गुरु पदाश्रय। किस प्रकार गुरु पदाश्रय किया जाता है, किस प्रकार गुरु की सेवा की जाती है, ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने आदर्श दिखलाया। हमारे शिला भारती गोस्वामी महाराज जी एक बड़ा सुंदर विचार बतलाते थे। देखिए आयोजन क्यों किया गया, इतना बड़ा आयोजन किया, बहुत सारे भक्त लोगों ने इसमें बड़ा रात दिन परिश्रम किया होगा अवश्य ही, तभी ये आयोजन इस प्रकार का दर्शन हो रहा है। कितना इसमें धन व्यय हुआ होगा, कितना इसमें परिश्रम व्यय हुआ होगा, किंतु ये हमारे गुरु महाराज जी की इच्छा थी। गुरु महाराज जी बड़े ही आचार प्रिय, बड़े संतुष्ट हुआ करते थे। आज भी, और जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से भी योगदान किया, निसंदेह उनको गुरु महाराज जी की कृपा मिलेगी। गुरु जी मथुरा में अपनी हरि कथा में इस बात को कह रहे हैं। एक समय राधाष्टमी का दिन था, गुरु जी कहते हैं नगर संकीर्तन हुआ, किंतु नगर संकीर्तन में भक्त लोग अधिक गए नहीं,
तो गुरु महाराज जी ने इस बात को कहा अपनी हरि कथा में, राधा जी की महिमा कहने से पहले गुरु जी कहते हैं कि नाम संकीर्तन भक्ति का सर्वोत्तम अंग है, किंतु हम लोग आज देख रहे हैं गुरु जी के शब्द हैं, हम तो बस दोहरा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं नाम संकीर्तन भक्ति का सर्वोत्तम अंग है, किंतु हम देख रहे हैं कि लोग आज नाम संकीर्तन हुआ, रथ यात्रा निकली, किंतु उसमें लोग जा नहीं पाए। किंतु गुरु जी कहते हैं इस प्रचार को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत ही विशेष जीव सेवा बतलाया है, बहुत विशेष जीव सेवा। इसलिए गुरु महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए होंगे जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से भी योगदान किया है। किंतु जो मुख्य बात कहने की है, इसका उद्देश्य क्या है? इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, प्रसाद की व्यवस्था, इतनी सारी व्यवस्था, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो हमारे गुरु महाराज जी की मूल शिक्षा है। वो मूल शिक्षा क्या है? श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बतलाया, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृतेव कर्मेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नये अखिलम इत्युपदेश सारम। सारे समस्त उपदेशों का सार क्या है? ब्रज अनुरागी, जो ब्रजवासी भक्त हैं उनके अनुगत्य में ब्रज भजन, ब्रज की प्राप्ति, ब्रज धाम की प्राप्ति, ये समस्त उपदेशों का सार है। इसलिए जितना कार्यक्रम है इसका मूल उद्देश्य क्या है? ये संदेश देना, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके सतगुरु के चरणों का आश्रय लेकर के ब्रज धाम की प्राप्ति करना। ब्रज धाम की प्राप्ति कैसे होगी? ये भी नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन में आता है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन में कहा है, सुनना ध्यान से, वो कहते गौरांगो बोलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयने भावे नीरा आर कवे निताई चांदेर करुणा हईवे संसार वासना मोर कवे तुच्छ होवे विषय छाड़िया कवे शुद्ध होवे मन कवे हाम हेरबो श्री वृंदावन। अभी प्रश्न उठता है, नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते मेरा कब ऐसा दिन आएगा जब मुझको वृंदावन का दर्शन होगा? तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने वृंदावन का दर्शन नहीं किया क्या? जो लोग प्राचीन भक्त हैं वो समझ रहे होंगे, नरोत्तम दास ठाकुर जी तो वृंदावन में ही रहे, उनकी शिक्षा दीक्षा वृंदावन में हुई। तब फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? कवे हाम हे रघो श्री वृंदावन, कब हमको वृंदावन का दर्शन होगा? तो नरोत्तम दास ठाकुर जी पथ बतला रहे हैं कैसे वृंदावन का दर्शन होगा, किसको वृंदावन का दर्शन होगा, कौन ब्रज धाम में वास करने योग्य है, किसको ब्रज धाम के वास्तविक दर्शन हो सकते हैं, कैसा क्रम नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बतलाया कि गौरांग बलिदे हवे पुलक शरीर। जब हमारा ऐसा दिन आ जाएगा, जब हमारी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि केवल गौरांग नाम उच्चारण करने से हमारे शरीर में पुलक हो जाएगा, पुलक समझते हैं, जितनी रोमावली है ये खड़ी हो जाएगी एक गौरांग नाम उच्चारण करने से, और हरि हरि बोलिते नयने भावे नीरा, केवल हरि कहने से नयनों से अश्रुधार आ जाएगी। किंतु ये कब होगा? ये भाव की दशा कब मिलेगी? वो कहते आर कबे निताई चांदेर करुणा हाईवे, जब तक गुरु रूपी नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक ऐसी दशा नहीं होगी, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक विषय छाड़िया कभी शुद्ध होवे न, तब तक विषयों को छोड़ करके मन शुद्ध नहीं होगा। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक वास्तव और नित्य वृंदावन के दर्शन नहीं होंगे। ये पथ बतलाया नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, उनके गुरु पादपद ने उनको आदेश दिया श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने, तुम चले जाओ खेतुरी में, एक स्थान है बांग्लादेश में, वहां पर प्रचार करना, वही नरोत्तम दास ठाकुर जी के आविर्भाव स्थली है। और इतना प्रचार किया नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, इतना प्रचार किया मणिपुर इत्यादि स्थानों में, आज भी आरती के समय में 108 मृदंग बजते हैं वहां पर उनके मंदिरों में, ऐसा वैभव अभी भी चला आ रहा है, ये नरोत्तम दास ठाकुर जी की कृपा है। इसलिए इतना बड़ा जो विराट आयोजन हुआ है वो केवल इस बात की सूचना देने के लिए, ये मूल मंत्र जो है, समस्त उपदेशों का जो सार है कि ब्रजवासी वैष्णव के अनुगत्य में, ब्रजवासी भक्तों के अनुगत्य में ब्रज धाम की साधन भजन करके ब्रज धाम की प्राप्ति करना। इस ब्रज धाम का क्या वैशिष्ट है, बस मैं एक दो बात कहकर समाप्त कर दूंगा, और भी जय शिवक्ता लोग हैं उनके मुख से सुनेंगे आप लोग। इस ब्रज धाम का क्या वैशिष्ट है, क्यों ब्रज धाम की प्राप्ति करना सर्वोत्तम है? तो यदि हमारा जो संप्रदाय है, आप प्राचीन भक्त सब जानते होंगे, उसकी समस्त शिक्षाओं को यदि सार स्वरूप कह दो तो वो क्या है? धाम वृंदावनम रम्या काजित उपासना ब्रजवध वर्गे निया कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रेम उमार प्रमाण अमलम प्रेमा कुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मत मिदम तत्र आदरो ना पराह। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है
के वृंदावन के ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की आराधना ब्रज गोपियों के भाव के अनुसार यही श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, यही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसलिए समस्त उपदेशों का सार क्या है, ब्रज गोपियों के भाव के अनुसार ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की श्रीमती राधिका के साथ में आराधना। स्वयं नारायण भी हमारे गुरु महाराज जी इस विषय में बड़े रसमय अमृतमय उपदेश बतलाया करते थे। स्वयं नारायण भी कृष्ण का रूप दर्शन करके कृष्ण का रूप की माधुरी का पान करने के लिए लालायित हो जाते हैं स्वयं नारायण, और वो ब्राह्मण के पुत्रों को चोरी कर लेते हैं कि हमको कृष्ण के रूप का दर्शन होगा। लक्ष्मी देवी जो सदा नारायण के वक्षस्थल पर स्थित हैं, वो लक्ष्मी देवी भी कृष्ण के रास को देख करके चंचल हो जाती है, हमको रास में प्रवेश मिल जाए। अपने प्रतिबिंब को एक खंभे में दर्शन करके वो अपने रूप का दर्शन करने के लिए लालायित हो जाते हैं, किंतु हमारे गुरु महाराज जी कहते थे श्रीमती राधिका को कभी लालसा होती है ऐसी, कृष्ण को लालसा होती है राधा जी के भावों का आस्वादन करने की, किंतु राधा जी को कभी लालसा होती है, राधा जी को कभी लालसा होती है कि हम कृष्ण के भावों का आस्वादन करें, कृष्ण विषय विग्रह हैं, राधा जी आश्रय विग्रह हैं, राधा जी को कभी लालसा नहीं होती किंतु कृष्ण को लालसा होती है। तो ये राधा जी की सेवा जो है, ये राधा जी की कृष्ण के प्रति जो सेवा वृद्धि है उसमें कैसी चमत्कारिता है, जिस कैसे राधा जी के भाव हैं जिनका आस्वादन करने के लिए कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपनी लीला को प्रकाशित करते हैं, ये ब्रज धाम का वैशिष्ट है, ये ब्रज भक्ति का वैशिष्ट है, जिसके अनुगत्य में जिसके अनुशीलन में कृष्ण भी रत हैं, कृष्ण भी रत हैं। कृष्ण ने किसको बोला, ना पारे हम निर्वत संयुजाम, मैं ब्रह्मा जी की आयु पाकर भी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, ये केवल ब्रज गोपियों को कहा। इसलिए ब्रज गोपियों की जो भक्ति है कृष्ण के प्रति वो सर्वोत्तम भक्ति है, वो श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है, सारे उपदेशों का सार है, समस्त शास्त्रों का सार है। इसलिए जब ब्रज अनुरागी भक्तों के आनुगत्य में हम शास्त्रों का अनुशीलन करेंगे, श्रीमद् भागवत हो, षड् संदर्भ हो, ब्रज भागवतामृतम हो, समस्त शास्त्रों का सार श्रीमती राधिका की महिमा ही दिखलाई देगा। यदि वास्तव में अनुशीलन करेंगे समस्त शास्त्रों का सार श्रीमती राधिका की भक्ति, श्रीमती राधिका की महिमा, कृष्ण के प्रति राधा जी का अनुराग, समस्त शास्त्र जैसे उच्च स्वर से राधा जी की महिमा का घोषणा करते 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 एक ही स्थान पर आकर समाप्त करते हैं, ये राधा जी की भक्ति, यही समस्त शास्त्रों का सार है। और इसी संपूर्ण, अभी तो बड़ा संक्षिप्त समय है, इसमें कितना कुछ कहा जा सकता, किंतु इसी सर्वोत्तम ब्रज भक्ति को, उसमें भी ब्रज गोपी, उसमें भी श्रीमती राधिका की जो भक्ति है, उसी भक्ति को जगत में हमारे गुरुपाद पद्म ने बड़े ही सुंदर रूप में अपने आदर्शमय चरित्र के द्वारा उन्होंने जीव जीव के हृदय में इस भक्ति को, श्रीमती राधिका जी के प्रति जो अनुराग है उसका बीज हमारे गुरु महाराज जी ने सबके हृदय में रोपण किया है। इसी बीज को प्रस्फुटित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए, पुष्पित करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है कि हमारे गुरु महाराज जी के विचारों को हम सब गुरु भाई लोग बैठ करके एकत्रित होकर इष्ट गोष्ठी करें कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है, मनुष्य जीवन से आरंभ करके गुरु महाराज जी के चरित्र तक ले जाकर कि उन्होंने किस वस्तु को दान किया है, क्या वस्तु देने के लिए वो जगत में आए, तो गुरु जी जगत में देने के लिए आए, ये श्रीमती राधिका जी के चरणों की भक्ति, ये श्रीमती राधिका जी के चरणों का अनुराग, ये यदि हमको मिल जाए तो हमारा मनुष्य जीवन की जो सर्वोत्तम लक्ष्य है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। यही सारे शास्त्रों का सार है, यही गुरुपाद पद्म की शिक्षाओं का सार है। इसलिए जिन लोगों ने जिस प्रकार से भी आधार प्रस्तुत किया इस वस्तु का आचार प्रचार करने के लिए, वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अधिक समय नहीं दूंगा, समय तो अधिक ले लिया है, और लोगों की मुख से भी आप लोग कथा सुनेंगे। गौर प्रेमानंद देव, हाँ हरे कृष्णा। आपको बुला आप जैसे कि अभी प्रभु जी कह रहे थे कि जिसने भी जिस तरह से भी इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है उसको भगवान की और गुरु की कृपा मिलेगी। तो हमारे बीच में है हमारे ओम प्रकाश,
जी, राजू पहलवान जी। हाँ एक साथ सब बुला लो बाकी को बाद में कर दे, बाकी को बाद में कर दे। हरे कृष्णा, ये जो आयोजन आप लोग दर्शन कर रहे हो, इसका जो मूल उत्साह देने वाले जो बच्चे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इनको अगर कोई भक्ति में लाए ना, कहता हमारे श्री रोहिणी शुक्ल प्रभु ने लाए, इसलिए आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इन्होंने बहुत कष्ट करके इन बच्चों को उन्होंने प्रचार और उन्होंने प्रसार किया है। पहले तो अपना घर में ही हर शनिवार को इतवार को इनको घर में प्रचार करते थे। यहाँ पर आशीष प्रभु भी यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों ने सब मिल करके सब जिन बच्चों को लाए भक्ति में, वही बच्चे आज मिल करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो रोहिणी शुक्ल प्रभु जी, साधारण लोग का जो भावना है, ये सब साधु संत कौन बनते हैं बोले, जिसको पास में पैसा कमाई का कोई उपाय नहीं मिला है, घर में खाने के लिए नहीं, वही सब बाबा बन करके वृंदावन में वृंदावन में बाबा बन जाते हैं। लेकिन हमारे श्री रोहिणी शुक्ल प्रभु ऐसे नहीं, ये इसलिए हमारे श्री कवि जयदेव कहते हैं, साध्वी माध्वी का चिंता न भवती सर करे कर्कशासी। अगर राधा कृष्ण का प्रेम एक बूंद अगर किसी की आस्वादन का विषय हो, वो कहते हैं पृथ्वी का सारे ऐश्वर्य उसको सामने फीकी पड़ी जाती है, हैं सारे ऐश्वर्य उसको सामने फीकी। इसलिए अभी नरोत्तम दास ठाकुर की कथा सुन रहे थे ना, जो राजा के बेटे थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, घर में इतने संपत्ति थी बोले इंद्र के बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य, और पत्नी अप्सर जैसे उनकी पत्नी, पूर्व सनातन का नाम तो जानते होंगे, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे सनातन गोस्वामी। इसलिए हमारे रोहिणी शुक्ल प्रभु भी घर में सारे सुख सुविधा रहते हुए भी सबको छोड़ करके श्री ब्रजवास कर रहे हैं, गोस्वामी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तीन महीने वो पकड़ भजन कर रहे हैं, और रोज रोज एक एक लाख हरिनाम वृंदावन का परिक्रमा। इसलिए ये प्रभु जी बड़े दयालु बड़े कृपालु, हर समय हम लोगों को ऊपर भी कृपा करते रहते हैं। इसलिए प्रभु जी आपको मधुर वचन के द्वारा आपको कुछ आशीर्वाद देंगे श्री रोहिणी प्रभु जी। इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए हमारे बहुत सारे भक्त, उन्होंने बहुत दिन रात एक किया है, मैं किस किस का नाम लूं पता नहीं है। हमारे पंकज प्रभु, कृष्णदास प्रभु, प्रिंस, बहुत सारे ऐसे हमारे साथ हैं, उन लोगों के नाम भी मैं कहां तक लूं, पूरे पूरे परिवार दिन रात ये लगते हैं और कितना प्रचार करते हैं, यही उत्साह से इन्होंने इस प्रोग्राम को किया है। ये बात ठीक है कि मेरा नाम आगे लिख दिया गया होगा, लेकिन करने वाले सारे यही हैं, इन्होंने ही किया है। और मैं गुरुदेव से और सब आए हुए वैष्णवों से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनके ऊपर आशीर्वाद करें कि इसी उत्साह से ये सब लोग लगे। अभी हम आज बहुत सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में, जो एक बहुत बड़े संत और बड़े ऊंचे कुल के राजा, सब कुछ छोड़ के उन्होंने भजन किया है। फिर हम सुन रहे हैं कि वैष्णवों का संग बड़ा जरूरी है, गुरु का संग, गुरु की निष्ठा जो उन्होंने दिखाई नरोत्तम दास ठाकुर ने। हमारे अभी प्रभु जी कुछ बोल रहे थे कि लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेने के लिए जब वो पहुंचे हैं, राजा के पुत्र हैं, तो वो कहते हैं भाई तुम तो राजा के पुत्र हो, मैं तुम्हें क्या दीक्षा दूंगा। तो लोकनाथ गोस्वामी ने उनको दीक्षा नहीं दी,
लेकिन यहाँ पे निष्ठा देखिए शिष्य की, नहीं मैंने तो इसी गुरु से लेनी है। लेकिन आजकल कलयुग में क्या देखा जाता है, गुरु ने जरा भी कुछ कह दिया तो वो गुरु ही नहीं है मेरा, वो गुरु बदल देंगे, गुरु छोड़ देंगे। इसीलिए आजकल प्रथा महाराज ऐसी चल पड़ी है कि गुरु शिष्य बन गया है, जो शिष्य कहेगा वही गुरु मानने लग जाता है कि कहीं मेरे को शिष्य छोड़ ना जाए। इस सिद्धांत को हमने लेना है, ऐसे गुरु हमें नहीं चाहिए जो शिष्य बन के बोलते हैं कि हम गुरु हैं। तो हमारी परंपरा में इस सिद्धांत को कि गुरु गुरु है, गुरु भारी होता है बड़ा, गुरु उसमें गुरुत्व होता है, वो बड़े भारी चीज है, वो हिलने वाले अपने सिद्धांतों से नहीं है। तो आज हम नरोत्तम दास ठाकुर जो इतने अमीर राजा, तो कोई भी गुरु कहेगा अरे इसको शिष्य बना लेते हैं बड़ा धन आएगा, और गुरु भी देखो गुरु कहता नहीं मेरे पास कोई देने नहीं है, सेवा नहीं है, और शिष्य कहते नहीं मैं ढूंढ के दिखाऊंगा वो सेवा है क्या। सुबह सुबह लोकनाथ गोस्वामी एक वीरान जंगल में खादी वन में ही वो वहां पे हरिनाम कर रहे हैं, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर उनसे भी पहले कि इनकी कोई सेवा ढूंढेंगे, तो जब वो शौच क्रिया मल त्यागने के लिए जा रहे हैं वो देखते हैं कि कहां गए हैं, उनसे पहले उठ के रोज उस जगह की सफाई कर रहे हैं। तो गुरु शिष्य का संबंध एक निष्ठावान भगवान का आध्यात्मिक दिया हुआ संबंध, अगर गुरु गुरु होगा तो कहते हैं शिव जी गुरु में बहावा संति शिष्य विद अपहरता दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संताप हरता। शिवजी ने पार्वती को पद्म पुराण में इस बात को कहा कि देखो आने वाले कलयुग में ये होने वाला है कि पूरी नदी बहेगी गुरुओं की, शिष्यों की कमी पड़ जाएगी और गुरु ही गुरु नजर आएंगे। गुरु में बहावा संति शिष्य वित्त अपहरता, उसके वित्त मतलब पैसा, पैसा शोहरत इसके पीछे पड़ के शिष्य बनाएंगे, पैसे इकट्ठे कर लेंगे। और हमारे हिंदुस्तान लोगों ने बड़ा सस्ता कर दिया है, गुरु का मतलब बड़ा ही भारी होता है, वो गुरु में बहावा संति शिष्य वित्त अपहरता दुर्लभा सदगुरु देवी, ये देवी जी दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संताप हरका। अभी हम कितनी सारी महिमा वैष्णवों की सुन रहे हैं, ये महिमा क्यों गाई जा रही है, सारे वैष्णवों की महिमा गाते हैं, गुरु की महिमा सारी जगह गाई जाती है, तो ऐसी क्या विशेषता है जो हमारे संत लोग इस गुरु की महिमा को गा रहे हैं। तो कहते हैं संताप हरका, ये जीव इस संसार में बहुत मुश्किल में फंस गया है, बहुत मुश्किल में फंस गया है जीव। क्या मुश्किल है, पहली बात तो ये मुश्किल है क्या जिसमें हम फंस गए हैं, तो गुरु इस बात को बताएगा। अब बात ये आती है कि वो मुश्किल है क्या, अगर ये गुरु ने नहीं बताया और शिष्य के कहने पे चलते रहा, शिष्य ने कहा गुरु जी मेरा काम नहीं चल रहा तथास्तु, शिष्य ने कहा मेरा बच्चा नहीं हो रहा मेरा बेटा नहीं हो रहा तथास्तु, तो अगर गुरु जैसे जैसे शिष्य कह रहा है और गुरु कर रहा है तो वो गुरुत्व वो गुरु है ही नहीं। हमारे परंपरा में हमारी ये जो संप्रदाय चल रही है, कहा जाता है कि हमारे प्रोग्राम में लोग कम रहते हैं, कम रहते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा ने कभी भी उस निष्ठा और सिद्धांतों के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं किया उन सिद्धांतों से। हमारे स्वामी प्रभुपाद भी कहते हैं, कहते हैं भाई देखो एक सोनार की दुकान पे कभी भीड़ नहीं होगी क्योंकि वो सोना बेच रहा है और खराब सोना बेचता है, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप में भीड़ लग जाएगी क्योंकि वो आर्टिफिशियल चीज बिक रही है।
तो अगर तो आर्टिफिशियल चीज लेनी है तो आप वहां पे भीड़ लगा लीजिए, क्योंकि वहां पे गुरु कुछ कहेगा ही नहीं जो आप कर रहे हैं तथास्तु। हमारे कुछ सिद्धांत है, क्योंकि हम ज्यादा क्योंकि सब लोग काफी लोग यहाँ पे नए हैं, एक सिद्धांत हमारा है। अगर मैं उस सिद्धांत को ही बोलूंगा तो मुझे लगता है आधे लोग यहाँ से चले जाएंगे। एक छोटा सा सिद्धांत है, हमारे गुरुवर कहते हैं चाय नहीं पीनी। छोटा सा सिद्धांत है, हम तो बात पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रसाद का बंदोबस्त है, आधे लोग चले जाए ऐसा नहीं चाहते हम। प्रसाद पूरा है हमारे पास, कहीं हम ऐसी बातें सुनाए तो कहे भाई ये क्या बोल रहे हैं, चाय छोड़ दो तो हम चलते हैं। प्रसाद पूरा बना हुआ है। अब चाय क्यों बोला उन्होंने, शराब तो बोली। एक छोटी सी चीज जो चाय है उसमें क्या है, हम उसको भी नहीं छोड़ पाएंगे। और हम बात करते हैं हमारे गुरु जो है, हम गुरु के लिए मर मिट जाएंगे। कहते हैं हाँ जी गुरु के लिए मर मिट जाएंगे लेकिन चाय नहीं छोड़ेंगे। ये कौन सा सिद्धांत हुआ भाई, मर मिट जाने को तैयार है, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन चाय नहीं छोड़ेंगे। चाय में क्या है, चाय आपके लिए हर तरह से बुरी है, उसमें कैफीन होती है, उसको उसमें निकोटीन होती है। गुरु चाहता है पहले आपके नशे हट जाए, तभी तो उस बात तक पहुंचेंगे आप जिन्हें बैठोगे जो उड़ान भरेगा। हम इस संसार में बैठे हुए पहले हम ये समझे कि ये जो गुरु कहता मेरे पास सेवा नहीं है, और ढूंढ लिया उसने कि गुरु जब मन त्यागते हैं तो उस जगह को मैं साफ करूंगा रोज, और गुरु परेशान है कि मैं रोज वहां पे जाता हूं और वो जगह कितना साफ हो जाती है। कौन कर रहा है, एक राजा का लड़का, एक राजा का लड़का कर रहा है, क्योंकि उसने गुरु तत्व समझा है। अभी हम कर रहे हैं, अभी हमारी इतनी आसक्तियां है। हाँ जी हम समझ गए हैं, आपने तो पहली बार ही नहीं बोल दिया हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। और खासकर हिंदू हमारे जो भाई है बहने हैं उनको बोलते हैं हम आत्मा है। हाँ जी ये तो हम जानते हैं आत्मा है, कुछ और आगे बताइए। तो हम कहते हैं अच्छा जी अब आत्मा है तो चाय क्यों पी रहे हैं आप, तो शरीर में जो जबान के ऊपर ये जो चाय का नशा डाल रहे हैं, आप तो आत्मा है, आप तो ये शरीर है ही नहीं। एक छोटी सी बात है कि ये हमारा सिद्धांत और निष्ठा कहाँ है। हम गुरु से बड़ा प्रेम कर रहे हैं, गुरु से बहुत प्रेम चल रहा है, लेकिन चाय का प्रेम नहीं छोड़ पाए। एक छोटी सी बात हम सिर्फ इतनी ही कर रहे हैं कि हमारा सिद्धांत क्या रहा, हम किस चीज से प्रेम कर रहे हैं, प्रेम होता क्या है और प्रेम चाहिए क्यों। इस बात को मैं एक दो मिनट के अंदर बोलना चाहता हूं कि जीव का एक स्वरूप है, उसको प्रेम चाहिए। क्या मतलब है प्रेम चाहिए, मतलब क्या, बच्चा होता है वो माँ की गोद में खेलने में आनंद लेता है क्योंकि उसको प्रेम है माँ से। वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो आसपास के बच्चों को ढूंढता है माँ की गोद छोड़ के, उसको उसमें प्रेम नजर आ रहा है। थोड़ा और बड़ा होता है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम उसको नजर आ रहा है, क्यों वो प्रेम नजर आ रहा है। थोड़ा और बड़ा होता है पत्नी होती है फिर बच्चों से प्रेम उसको नजर आता है, प्रेम उसका स्वरूप है। वो दादा पर दादा बनता है तो अपने पोते को लेके अपनी गोद में रहता है, उसको आज वो दादा पर दादा बन गया, जब वो बच्चा था तब भी वही हरकत थी प्रेम की, और अब जो दादा पर दादा बना तो हरकत क्या है प्रेम की। इस प्रेम की बात जब हम कर रहे हैं, ये प्रेम नाम की चीज को हमें पहले समझना है कि वो प्रेम क्या है, क्योंकि आत्मा का एक स्वरूप है। आप देख लीजिए पति पत्नी का विवाह होने पर बच्चा नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, कुत्ता गोद में ले लेंगे, बच्चे का ढूंढेंगे कोई आसपास का रिश्तेदार मुझे बच्चा मिल जाए, उसका प्यार करेंगे प्रेम करेंगे। कितना हम एक व्यक्ति को जानते हैं उसके पास बहुत बहुत पैसा है, सब कुछ है लेकिन बच्चा नहीं है। अब वो बच्चे को लेने के लिए तड़प रहे हैं और बहुत पैसा होने पर भी हमने देखा कि वो बच्चे के अब इतनी सेवा कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, बड़े स्कूल में ले जा रहे हैं क्योंकि भगवान ने और कुछ नहीं दिया, तो ये अब हमें सेवा चाहिए, ये हमारा स्वरूप है, हमें सेवा करनी है। सेवा मतलब प्रेम, हम बिना प्रेम के सेवा होती नहीं, सेवा और प्रेम का एक ही स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप है, बिना इसके हम नहीं रह सकते हैं बिना सेवा के। आज अगर हमने संतों से कुछ लेना है, संत बार बार इस बात को कर रहे हैं कि संतों की महिमा गा रहे हैं, संत क्या देंगे हमें, पैसे चाहिए तो ये तो वो छोड़ के आए हैं,
क्या चाहिए हमें, ये संसार का भोग विलास छोड़ के आए हैं, आप उनसे वही चीज। हाँ याद आ गई एक बात, गुरुदेव के पास एक महिला आई मथुरा की, गुरुजी इसको आशीर्वाद दीजिए, नया बच्चा है, उसने धड़ाम से गुरुदेव के गोद में डाल दिया। गुरुजी को समझ नहीं आए, जब तक गुरुजी समझते उसने ऐसा बच्चे को दिया उस माँ ने कि अगर वो गुरुदेव ना पकड़ते तो बच्चा गिर जाता, तो गुरुदेव ने उसको पकड़ लिया, बोलते गुरुजी इसको आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुदेव ने मेरी तरफ मुस्कुरा के ये बोला, हल्का बोला, वो स्त्री नहीं सुन पाई, कहते ही मेरे से क्या मांग रहे हैं, किस आशीर्वाद को, ये जिन चीजों को हम छोड़ के आए हैं, जिन चीजों से हम आसक्ति हटा के आए हैं, ये किस। और गुरुदेव ने फिर बोला तुम्हें क्या चाहिए, कहते गुरु जी इसको आशीर्वाद दो, ये बड़ा हो और इसके पास बहुत धन हो, इसका विवाह हो। तो कहते इसका विवाह होगा तो इसकी बहू आएगी, वो तुम्हें बाहर निकाल देगी। उसी वक्त गुरुदेव बोल रहे हैं, देखो संत कितनी जल्दी उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जहां पे ये सोच रही है मैं 30 साल बाद पहुंचूंगी तो गुरुदेव ने उसकी जो नव विवाह बच्चा है उसका बहू भी ले आए, और उस बहू को लाके इस स्त्री को जो आशीर्वाद मांग रही है उसको बोल रहे हैं तेरे को धक्का मार के बाहर निकाल देगी। बताइए 25-30 साल की बात एकदम गुरुदेव करते। तो ये संतों की महिमा है कि हमें उस प्रेम से जो झूठा है उसे हटा के एकदम वहां तक ले जाएंगे, ये संतों की महिमा है। ये प्रेम कैसे मिलता है, जैसे अभी संत लोग बता रहे थे कि भगवान का कलयुग में एक नाम है, इस नाम को हम लेते हैं और ये नाम भी कई तरीके और प्रकार से लिया जाता है जिसको नाम अभास बोलते हैं, कभी हम उस बारे में बात करेंगे, समय कम है, लेकिन अब हम इतना समझ रहे हैं कि हमारा स्वरूप प्रेम करना है, नाम लेंगे वो प्रेम जागेगा। अगर हमारे को गुरु से जरा भी प्रेम होगा, अपने संप्रदाय से, अपने सिद्धांतों से, तो हम अपनी पहले बुरी आदतें, जिसको मैंने छोटे से बना के कहा, मैं ये नहीं कह, नीट खाना ले रहे हैं लोग। मुझे जब मैं यहां पर आया था कोई 15-20 साल पहले, तो मुझे डराया गया था, हमारे भक्तों ने कहा कि प्रभु जी स्त्रियों ने मीट बनाना बंद कर दिया है, उनके पति मारेंगे, इसलिए ज्यादा मत आओ। स्त्रियों ने मीट बनाना बंद कर दिया है गलियों में, तो अगर आपने ज्यादा ये बात करी तो उनके पति मारेंगे आपको, क्योंकि वो बात मानने को तैयार नहीं है हम पतियों की। तो हमने सोचा कोई बात नहीं भाई, नित्यानंद प्रभु भी गए थे, सर फुड़वा लेंगे। तो हमारे कृष्णदास प्रभु और हमारे पंकज प्रभु ने बड़ा हौसला करके आप सब लोगों तक पहुंचे, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आज ये भक्त लोग जो प्रोग्राम करते हैं इनका उत्साह है, ये गुरु की निष्ठा है, और ये सदगुरु ही करवा सकता है जो सद परंपरा में मिल रहा है। तो आप सब लोग बड़े धन्य है कि ऐसे संतों के दर्शन, जैसे अभी प्रभु जी ने भी बोला कि संत के दर्शन आंख से नहीं होंगे, संत के दर्शन कान से होंगे। तो जो संत बोलता है उसको कान में धारण करके लेके जाएंगे, ये नहीं कि यहीं झाड़ देंगे, जो वो बोल रहे थे ठीक है वहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे हम जो करेंगे जो हमारी इच्छा है, क्योंकि अब हम ही गुरु है, क्योंकि शिष्य जो है अब कलयुग में क्या बन गया है, कलयुग में शिष्य बन गया है गुरु, और कलयुग में गुरु बन गया है शिष्य। ऐसा ना होने दे, हमारे संप्रदाय हमारा धर्म सब नष्ट हो जाएगा, जो कि और सब हो ही चुका है, पाश्चात्य देश की संस्कृति हमने अपनाई नहीं है, हम अपने माँ बाप की कोई सेवा नहीं करना चाहते, और हम पाश्चात्य देश की उस संस्कृति को लेना चाहते हैं जिस संस्कृति में हर दूसरा व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाता है, जिसको बोलते हैं अमरीका देश, हर दूसरा व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास जाता है, पता है आपको, हर चौथा व्यक्ति तलाक लेके बैठा है। हम उस पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपना रहे हैं भाई, जहां पे हम कुटुंब के कुटुंब इकट्ठे रहते थे, गांव का गांव इकट्ठा रहता था, अब वो सब बात खत्म हो गई है। पहले हम अपने जो हमारी समाज है उस स्थिति को ठीक करें, अपने हरिनाम को जब हम लेंगे, हमारे संस्कार बढ़ेंगे, संतों के दर्शन होंगे, हमारा समाज की स्थिति कुछ ठीक होती है। वरना आप कोई भी सरकार ले आइए, जी को बोला, मैंने कहा जी एक बात बताइए, आपको पता है कि दिल्ली में कितनी मृत्यु होती है एक मिनट के अंदर, मेरी तरफ देख रहा है, मैंने उसको बोला
कि हर 10 मिनट में एक व्यक्ति मर रहा है दिल्ली शहर में, वो मुझे देख रहा है। मैंने कहा अगर जितनी मृत्यु इस संसार में हो रही है, जो दो मृत्यु देख रहा है कि तीन बारी खाली हो जाएगी, तो मैंने कहा फिर ये सड़कों पे कौन चलेगा। तो जो संत लोग हैं हमें असली मार्ग और सड़क दिखाते हैं, कौन सी कि भगवान की तरफ कैसे जाना है। जो सड़क हमें भगवान की तरफ लेके जाएगी, इनकी सड़कें फिर टूटती हैं, फिर नई सरकारें, हम गुमराह ना हो जाए। संत लोग हमारे असली हैं जो कि हमें उस सही मार्ग पे लेके जाएंगे। तो समय मैंने ज्यादा ले लिया है, आप सब लोगों से प्रार्थना है कि हरि नाम को लेते रहिए। हमारे बीच में हमारे माधव प्रिय प्रभु है और श्रीधर महाराज भी है, उन्होंने कुछ ज्यादा बोला नहीं है। मैं चाहूंगा कि इनकी मुख से हम कुछ सुनेंगे, अपने मार्ग को, अपने जीवन के इस मार्गदर्शन को लेके हुए हम उस राधा कृष्ण के भजन की प्राप्ति करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप लोगों ने सुना है वो कोई साधारण घर के नहीं थे, राजा घर के बेटा थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये जगत छोड़ करके जा रहे थे, तब एक नदी था जिसका नाम था पद्मा नदी। बोले देखो पद्मा, कुछ दिन बाद में एक बहुत बड़ा संत आएगा, मैं तेरे पास में ये प्रेम को रख करके जा रहा हूँ, ये प्रेम तुम उन्हें दे देना। बोले मुझे पता कैसे चलेगा ये वही महापुरुष है। बोले वो इतने बड़े संत हैं, उनके चरण स्पर्श होते ही पानी में अपने आप तुम उफरने लग जाओगे, तुम्हारे हृदय में इतने प्रेम आएगा तुम अपने आप उफरने लग जाओगे, फिर तुम्हें पता चलेगा यही वही महापुरुष है। इसलिए ये नरोत्तम आए, इनके चरण स्पर्श होते ही वो पानी अपने आप उफरने लग गया। उसी समय में एक हवा आई, वो उफरते हुए पानी को स्पर्श करते हुए वो जिधर चला गया वो हवा, सबके सब उधर पवित्र हो गई। इसलिए हमारे अक्सर करके जितने गुरु वर्ग आए हैं, पूर्व बंगला बहुत बड़ी जगह, लेकिन और किसी राज्य से हमारे गुरु वर्ग नहीं आए, जिधर केवल हवा चली गई उधर से ही प्रभुपाद के अक्सर करके जो शिष्य है वो उधर से सबके सब आए। इसलिए इनके एक ग्रंथ हैं जिनका नाम प्रेम भक्ति चंद्रिका, अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे किसको प्रेम चाहिए हाथ उठाओ, अरे हाथ उठा किसको प्रेम चाहिए। तब प्रभुपाद कहते थे उनको एक आना मतलब छह पैसा में तुम्हें प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। बोले कैसे? बोले उसी समय में वो ग्रंथ का कीमत था 6 पैसा। वो बोलते थे केवल 6 पैसा दे करके वो ग्रंथ ले आओ और ग्रंथों को केवल पढ़ो और कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल वो ग्रंथों का आप पढ़ते रहो। इतने अद्भुत ग्रंथ, इतने सुंदर उनकी भजन लिखे, बस उसको पढ़ते ही अपने आप तुम्हारे हृदय में अपने आप प्रेम प्रकट हो जाएगा। अक्सर करके रोज रोज जो हम कीर्तन करते हैं, कभी ये नरोत्तम दास ठाकुर का ही कीर्तन है। हम बोलते हैं ना राधा कृष्ण प्रणाम जुगल किशोर जीवनी मरण गति आर नाही मोर। किसका कीर्तन है? यही महापुरुष का कीर्तन है। गौरांग बोली ते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोली ते ना याने बाबे नीर। यही महापुरुष का कीर्तन है। रोज रोज जो सवेरे हम भजन गाते हैं श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा बंद मोई सावधान मा, यही महापुरुष का कीर्तन है। इसलिए इनकी अद्भुत इतने सुंदर सुंदर कीर्तन लिखे, कब ऐसे दिन आएगा मैं राधा रानी के चरण की नुपुर बन जाऊंगा। जब राधा रानी छमछम करते हुए चलेगी वो नुपुर का आवाज जब कृष्ण को कान में पड़ेगा, कृष्ण कितने खुश होंगे। विफल है जन्म गुआइनो, हमने कैसे ये मानव शरीर को विफल कर दिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो,
मैंने ये मानव शरीर पा करके भगवान के भजन के बगैर जो जीवन बिताया जान बुझ कर हमने जहर खा लिया। अद्भुत इनकी भजन है, अद्भुत। इसलिए प्रभुपाद कहते थे भैया जरूर ये कीर्तन को करना। इसलिए हमारे गौड़ीय मठ में देखना अक्सर करके यही सब कीर्तन रोज रोज करते हैं। ये थे कायस्थ कुल के, मतलब ये थे राजा घर के। लेकिन जिस समय ये शिष्य कर रहे थे, कुछ भक्तों को शिष्य बना रहे थे, उसी समय तथा कथित तो कुछ ब्राह्मण लोग थे, बोले नहीं केवल जो ब्राह्मण है ना वही शिष्य बना सकता है। तो कायस्थ होकर, कायस्थ मतलब तुम क्षत्रिय घर के होकर के शिष्य नहीं बना सकते हो। केवल शिष्य बनाने का अधिकारी कौन है? जो केवल ब्राह्मण और जब केवल गोस्वामी घर में आएगा, नहीं तो कोई शिष्य नहीं बना सकते। इसलिए उसी समय में तथागत तो कुछ लोग इनकी निंदा किया, कुछ इनको विषय पर उल्टा पुल्टा कथा बात की, उनको बड़ा दंड भुगतना पड़ा, बड़ा कष्ट उनको भोगना पड़ा। इसलिए भगवत भक्ति में कितना जात पात पूछना, कोई हरि का भजा सो, हरि का भजा सो, हरि का होरी। भगवत भक्ति में जात पात का कोई विचार नहीं। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर एक सुंदर भजन गाते हैं, ए मन की करे भरणा कोला जय कोले केला जना मना हाय केवल भगति मोला कपि कोले धन्ना फिर हनुमान श्री राम भगत राक्षस कुल में प्रह्लाद जनमी राखिल भुवने जस। तो भजन गाते हैं प्रेमानंद ठाकुर, कहते ए मन की करे वर्ण कुल, तुमने कुल को कैसे श्रेष्ठ माना जी? कौन सा वंश में जन्म लिया? तो बंदर, वो बंदर घर में जन्म हुआ है, बंदर जात में। हनुमान जी कहते सवेरे उठ करके मेरे जो मुंह देख लेना, मेरा नाम ले ले, तीन बरस को भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन राम की भक्ति देखो तो सही, भगवान हमें कैसे सर्वश्रेष्ठ बना दी। गोपियां कौन सा घर में जन्म हुई? वो तो गोप घर में जन्म हुई। प्रहलाद राक्षस घर में कुल जन्म हुए। भैया जाति पात विचार करना, शास्त्र कहता है अगर वैष्णव को अगर कोई जाति बुद्धि करता है उससे बड़ा अपराध दुनिया में कुछ नहीं, ये सबसे बड़ा अपराध। इसलिए वृंदावन में ऐसे कुछ लोग हुए हैं, कहते नहीं ये तो केवल गोस्वामी लोगों को ही शिष्य बनानी चाहिए, ये गौड़ीय मठ वाले कोई गोस्वामी नहीं ये शिष्य, ये बहुत बड़ा इसको बताया वैष्णव अपराध। ये चीज को बताया जो वैष्णव को जाति बुद्धि करते हैं, कहते इससे बड़ा अपमान और इतना बड़ा अपमान नहीं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्षत्रिय घर में थे, लेकिन जब उनकी कोई निंदा की इतने उनको दुख कष्ट भोगना पड़ा, बड़े दुख कष्ट भोगना पड़ा। इसलिए भगवत भक्ति में जात पात का कोई विचार नहीं। इसलिए आज हो गई, अभी हमारे बीच में श्री माधव प्रिय प्रभु फरीदाबाद से हैं, बड़े दूर से प्रभु आए हैं। पहले ये प्रभु जी IIT कर रहे थे, ये पहले ये बॉम्बे में पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कैसे एक ग्रंथ को पढ़े, इसकोन से एक ग्रंथ था, ग्रंथ का नाम क्या प्रभु जी? ग्रंथ का नाम क्या था? उन्होंने एक ग्रंथ को जब बॉम्बे से आ रहे थे दिल्ली, वो इसकोन का कोई एक ग्रंथ था, वो केवल एक ग्रंथ को पढ़ करके IIT कर रहे थे, लेकिन एक ग्रंथ पढ़ करके इनका जीवन ही बदल गया और उन्होंने सब कुछ छोड़ करके गुरु जी की चरण में आए और उन्होंने गुरु जी की इतने सेवा की आप सोच नहीं सकते। लास्ट में प्रभु जी थोड़ा बीमारी में पड़ गए, क्यों? दिन रात गुरु जी की सेवा करना पड़ता था और उनके गुरु जी श्री भक्ति प्रमद पुरी गोस्वामी महाराज उनके भी बड़ी सेवा की और सारे हमारे जो गौड़ीय मठ से पब्लिकेशन होता था ग्रंथों को, प्रभु जी सबके सब ग्रंथों को प्रकाश में बहुत मदद किया। अभी प्रभु जी फरीदाबाद में रह करके छोटे छोटे बच्चों को हाँ बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं और भगवत कथा करते हैं। इसलिए प्रभु जी कृपा करके हमारे बीच में प्रभु जी आए, अभी प्रभु जी सबको आशीर्वाद देंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, हम जीवन में कर सकते हैं। श्री माधव प्रिय प्रभु इनसे जोरदार ताली हो जाए और इनकी आते हो बड़ी सुंदर सुंदर कथा आती है, अगर आप जोगा जोगा करेंगे तो आपके पास में रोज कथा भी आएगा।
जैसा कि हमारे संजय प्रभु जी ने पहले कहा कि महाराज जी से हम लोग बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही बाद में हम मठ में आए। महाराज जी तो बहुत वर्ष पहले से ही हमारे से मठ में आए, वास किया, गुरुपाद पद्म की सेवा की, साक्षात रूप में उनसे बहुत कुछ सीखा सुना, उनका शासन स्वीकार किया, उनके अनुगत्य में कथा इत्यादि की। ये सब कुछ हम लोग जब गुरुदेव के पास में आए, हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा उस वस्तु को देखा। सबसे पहले गुरुदेव से जो भेंट हुई थी, दर्शन उनका करने का सौभाग्य हुआ था, वो हुआ था हरिनगर में। दिल्ली में गुरुदेव आए हुए थे और वहीं पर ही हमारे शुभानंद प्रभु तीर्थ महाराज जी और हमारे जी, ये दोनों उस समय कथा करते थे। दो आसन लगे थे, एक घंटा डेढ़ घंटा तीर्थ महाराज जी कथा करते थे, फिर एक घंटा डेढ़ घंटा श्रीधर महाराज जी कथा करते थे। बीच में फिर जब गुरुदेव के लिए सुविधा होती थी, गुरुदेव भी आते थे और उसी के बीच में ही कथा बोलते थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो उनको देखा, इसी रूप में कथा करते हुए ही देखा। आज उनके बड़प्पन के कारण वो हम लोगों को अपने साथ में बिठा लेते हैं और हम लोगों के विषय में बोलते हैं, किंतु ऐसे हम लोग उनसे बहुत ही छोटे हैं। मेरे को मैं उस समय 3-4 दिन के लिए रुका था हरि मंदिर में, हरिनगर में जो मंदिर था, ब्रह्मचारी लोग सारे वहीं पर रुके हुए थे हॉल में, तो मैं भी उनके साथ ही रुक गया था। किंतु क्योंकि उस समय हम लोग पैंट पहनते थे, पैंट शर्ट, तो महाराज जी ने ही मेरे को सबसे पहले कहा कि जब यहाँ पर रह ही रहे हो हमारे साथ में 3-4 दिन, तो धोती पहनो कम से कम, पैंट पहन करके क्यों घूमते हो। तो उनको किसी प्रोग्राम में धोती मिली थी, तो उन्होंने सबसे पहले धोती दी भी और फिर किसी को कहा भी, मुझे ये नहीं पता किसको कहा था, उसको कहा कि इसको धोती पहनना सिखा दो, ये धोती पहने। तो हम लोग उनके सामने बहुत ही छोटे हैं, किंतु उनका बड़प्पन है। एक बात बोलते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। जो बड़ा व्यक्ति होता है वो हमारे गुरुदेव, उन्होंने हम लोगों को के विषय में बहुत सारी बातें तो बतलाई, किंतु किसी प्रसंग वश बहुत कम कभी उन्होंने इस विषय में बोला कि हमने कैसे गुरुदेव की सेवा की, वैष्णवों की सेवा की। उस विषय में उन्होंने बहुत ही कम, इस विषय को बहुत कम स्पर्श किया। क्यों? क्योंकि अपने मुख से बड़े व्यक्ति अपनी बड़ाई नहीं करते, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, बहुत बड़ी बड़ी बातें, शेखी बगारना इत्यादि, जो कि लघु व्यक्ति का अधजल भगरी छल कत जाए, जो ऐसे वाला घड़ा जिसमें बहुत कम पानी होता है वो क्या करता है, बहुत शोर मचाता है। जब उसको उठा करके लेके जाओ तो उसका पानी जो है वो शब्द करता है, किंतु अगर घड़ा भरा हुआ हो पूरी तरह से तब उसमें शोर होता नहीं, आवाज़ नहीं आती। हीरा कभी बोलता है कि मेरा जो मूल्य है वो 1 लाख रुपए है, बहुत बड़ा मेरा मूल्य है। इसी प्रकार से जो वास्तविक रूप में श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो अपनी महिमा अपने मुख से नहीं बोलता। और दूसरा, एक वैष्णवों का, साधु लोगों का लक्षण बतलाया कि वो क्या करते हैं, अल्प सेवा बहु करी माने। कोई व्यक्ति यदि थोड़ी सी भी कोई सेवा करता है तो उसको वो बहुत बड़ा मानते हैं, स्वयं बहुत कुछ करते हैं उसको कुछ नहीं मानते, और यदि कोई थोड़ा सा भी कुछ कर देता है तो उसको वो बहुत बड़ा देखते हैं। ये उन इसी से उनका अपना ही
जो महात्म्य है वही प्रकाशित तो होता है। आज हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं इसको हमारे श्रीपाद रोहिणी नंदन प्रभु जी के अनुगत्य में भक्तों ने नाम दिया इस कार्यक्रम को वैष्णव सम्मेलन। हमारे महाराज जी हम लोगों को बताते थे सम्मेलन शब्द का अर्थ क्या होता है। इसमें विशेष रूप से शब्द आता है मिलन, अर्थात वैष्णवों के साथ में विशेष रूप से मिलन जो है उसको कहते हैं सम्मेलन। मिलन शब्द का अर्थ साधारण जगत में होता है किसी के साथ में मिलना, किसी को देखना, किसी को गले लगा लेना, एक साथ में बैठ करके कुछ खा पी लेना, इसको कहते हैं कि मेरी उनसे भेंट हुई थी, मैं उनसे मिला था। किंतु वैष्णव शास्त्र जो हैं वो क्या कहते हैं, मिलन किसको कहते हैं। हम लोग तो कितने सारे लोगों से ही ऐसे मिलते हैं साधारण रूप में, ट्रेन में भी मिलते हैं, सड़क पर भी मिलते हैं, पार्क में भी मिलते हैं, कहीं कहीं पर भी मिल जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं रेड़ी वाले से मिलते हैं, रिक्शे के ऊपर बैठते हैं तो रिक्शे वाले से भी कभी कभी बात कर लेते हैं, अनेक लोगों के साथ में तो मिलते हैं, किंतु उसको वास्तविक रूप में मिलन नहीं कहते। मिलन किसको कहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति के हृदय की बात को, उसके आदर्श को, उसके विचार को, या फिर उनको जो वस्तु बहुत प्रिय लगती है जिसके लिए वो अपना सारा समय देते हैं, उन सारी वस्तुओं को उनसे सुन करके या फिर देख करके उनकी उस वस्तु को अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं, रख लेते हैं और उसका अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करते हैं, तब कहते हैं कि मेरा क्या हुआ, उनसे मिलन हुआ। वैष्णव से मिलन शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, वैष्णव सम्मेलन में आए हैं, अर्थात वैष्णवों से विशेष रूप में मिलने के लिए आए हैं। वैष्णव के मुख से जो जो बातें निकलेंगी, वैष्णव अपने आदर्श से जो दिखलाएंगे, मैं उससे कुछ सीख करके अपने जीवन में पालन करूंगा, मेरा क्या हुआ, वैष्णव सम्मेलन हुआ। कुछ आपने कथा सुनी, उसको अपने हृदय में धारण किया, कुछ आपने देखा भी होगा कि ये लोग जब सारे आते हैं तो क्या करते हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और वैष्णव लोग एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये देख करके भी सीखना होता है। सारी चीज़ें तो बोल करके सीखना होता नहीं, सुन करके सीखना होता नहीं, देख करके भी सीखना होता है, तो इसी को ही कहते हैं वैष्णव सम्मेलन। जब हम उसमें से कुछ लेकर के जाएंगे, जैसे हमारे महाराज जी एक बड़ी साधारण सी कथा सुनाते थे, एक बच्चा टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है, उसकी माँ उसके पास में आई और उसके सामने दूध का एक ग्लास रख दिया, बोलने लगी बेटा दूध पी ले।